हे दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले मैंने माइक्रोनिश वेबसाइट के ऊपर एक वीडियो शेयर किया था जिस पर लोगों ने बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया एंड बहुत सारे लोगों ने मुझे पर्सनल मैसेज भी किया एंड वीडियो के नीचे कमेंट भी किया। एक्चुअली दोस्तों, बहुत सारे लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि वो कौन सी कैटेगरी के ऊपर मैं अपनी माइक्रोनिश वेबसाइट को ओपन करें जहाँ पर कंपटीशन बहुत ही लो है। उसके साथ साथ लोगों के मन में ये क्वेश्चन भी है, वो किस तरह से अपनी वेबसाइट के लिए टॉपिक ढूंढे, किस तरह से अपनी वेबसाइट को बनाए, अपनी वेबसाइट पे एसईओ करें और किस तरह से वो अपनी वेबसाइट को गूगल में रैंक करेंगे। इस वीडियो पे दोस्तों, मैं आप सभी को सारे क्वेश्चंस का आंसर देने वाला हूँ। उसके साथ साथ दोस्तों, इस वीडियो पर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बेस्ट कैटेगरी कौन सी है जहाँ पर आप बहुत ईजिली अपनी वेबसाइट को बना सकते हैं एंड वहाँ पर कंपटीशन भी बहुत ही लो है। दोस्तों, यहाँ पर मैंने टॉप 6 कैटेगरी को फाइंड किया है जहाँ पर ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा है एंड कंपटीशन भी बहुत ही लो है। दोस्तों, सबसे पहला जो कैटेगरी है वो है ई कॉमर्स। जी हाँ दोस्तों, ई कॉमर्स बहुत ही अच्छा कैटेगरी है। दोस्तों, अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील जैसे बहुत ही बड़े बड़े वेबसाइट हैं जहाँ पर रोज के बिलियन ट्रैफिक आता है और ये लोग अपनी वेबसाइट पर बहुत सारे ऑफर्स चलाते ही रहते हैं, जैसे कि बिग बिलियन डे फ्लिपकार्ट का और अमेजन का ग्रेट इंडियन सेल। तो इस तरह की जो डील होता है उन दिनों में इनकी वेबसाइट पर लाखों में ट्रैफिक आता है। और अगर आप अपने लिए एक माइक्रोनिश वेबसाइट बना लें उनकी इस डील के ऊपर, तो आपकी वेबसाइट पर भी बहुत ही ह्यूज ट्रैफिक आएगा, जैसे कि bigbillionday.com या फिर amazongreatindiansale.com। इस तरह से अगर आप उनकी ऑफर, उनकी डील, उनके पर्टिकुलर एक कीवर्ड के ऊपर आप काम करें तो ऑब्वियसली आपकी वेबसाइट पर भी बहुत ही अच्छा ट्रैफिक आएगा। उसके बाद दोस्तों, टेलीकॉम बहुत ही एक अच्छा कैटेगरी है, यहाँ पर भी बहुत ही ह्यूज ट्रैफिक होता है। जैसे कि दोस्तों, आप लोगों को तो ये पता ही होगा कि जियो की जो ऑफर्स होते हैं, ये जो कुछ भी डील आते हैं, तो ये सभी चीज़ें ट्रेंडिंग में चले जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा सर्च होते हैं गूगल पे। तो ऑब्वियसली आप जियो या फिर एयरटेल के ऊपर भी वेबसाइट बना सकते हैं। कई सारे सिम जैसे वोडाफोन, एयरटेल, ये लोग फ्री 10GB, 20GB तक इंटरनेट देते ही रहते हैं, तो आप इनके ऊपर भी वेबसाइट बना सकते हैं, जैसे कि एयरटेल 10GB freenet.com। इस तरह से भी आप वेबसाइट बना सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दोस्तों, वो है कूपन एंड कैशबैक। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा चल रहा है फिलहाल। सभी लोगों को कैशबैक चाहिए, कूपन चाहिए। जैसे कि आपको पता ही होगा, पेटीएम बहुत सारे कूपन लाता रहता है और अगर आप शॉपिंग करते हैं या फिर कुछ भी करते हैं तो आप पेटीएम में बहुत सारे कूपन लगा के आप बहुत अच्छा कैशबैक भी आपको मिल सकता है। इस तरह से दोस्तों, इन सब चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक होता है। आप फ़ोनपे, मोबीक्विक और भी बहुत सारे डिजिटल वॉलेट है जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, वो है बैंक एंड फाइनेंस। तो इन सारे कैटेगरी में सबसे ज़्यादा जो CPC मिलता है वो है बैंक एंड फाइनेंस में। तो आप चाहे तो बैंक एंड फाइनेंस के ऊपर भी एक माइक्रोनिश वेबसाइट बना सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड के ऊपर सर्च करते रहते हैं, तो आप SBI क्रेडिट कार्ड या फिर HDFC क्रेडिट कार्ड के ऊपर भी वेबसाइट बना सकते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों, अभी जो फिलहाल ट्रेंडिंग में चल रहा है फाइनेंस की कीवर्ड, वो है म्यूचुअल फंड। तो आप SBI म्यूचुअल फंड या फिर पर्टिकुलर कोई एक वेबसाइट की या फिर पर्टिकुलरली कोई एक बैंक की म्यूचुअल फंड के ऊपर भी वेबसाइट बना सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे कीवर्ड आपको बैंक एंड फाइनेंस में मिल जाएगा जहाँ पर बहुत ही अच्छा खासा ट्रैफिक भी होगा और ऑब्वियसली यहाँ पे आपका CPC ज़्यादा होगा तो आपका अर्निंग भी बहुत ही ज़्यादा होगा। उसके साथ दोस्तों, आप अगर बैंक एंड फाइनेंस में बनाएंगे तो आप लोन पॉलिसी और भी बहुत सारी चीज़ें होता है, इंश्योरेंस वगैरह भी होता है, जहाँ पर आप अपनी माइक्रोनिश साइट को ओपन कर सकते हैं। उसके बाद जो फिफ्थ कैटेगरी आता है दोस्तों, वो है सिलेक्ट अ पर्टिकुलर ऐप। दोस्तों, ये बहुत ही न्यू वे है। अगर आप इस कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे तो आप ऑब्वियसली जल्दी से जल्दी रैंक कर ही पाएंगे, क्योंकि इस तरह की वेबसाइट बहुत ही कम हुए इंटरनेट में। तो अगर आप इस तरह की वेबसाइट ओपन करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, जैसे कि गूगल तेज हो गया। ये गूगल का पेमेंट ऐप है जो कि आज से 6-7 महीने पहले ही लॉन्च हुआ है, लेकिन बहुत ही शॉर्ट टाइम में इससे आपने बहुत ही अच्छा यूज़र गेन कर लिया है और इसलिए इसके ऊपर जो सर्च होता है गूगल में वो भी बहुत अच्छा होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप गूगल तेज के ऊपर पर्टिकुलर एक वेबसाइट बना लीजिए। गूगल तेज दोस्तों अपने यूजर्स के लिए बहुत सारे डील और ऑफर लाता ही रहता है, तो आप googletezdeals.com इस तरह की वेबसाइट बना सकते हैं जहाँ पर लोग सर्च करेंगे, उनको बहुत सारे ऑफर्स के बारे में पता चलेगा। तो इस तरह से और भी बहुत सारे ऐप हैं, जैसे कि आप ग्रोब की बात कर ले या फिर भीम UPI की बात कर ले या फिर और भी बहुत सारे अर्निंग ऐप होते हैं जहाँ पर मिलियंस ऑफ यूज़र हैं और उनको बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन भी हो किस तरह से अपनी ऐप को चलाना है, किस तरह से साइन अप करना है, किस तरह से डाउनलोड करना है। तो ये सब चीज़ें आप अपनी वेबसाइट पे शेयर कर सकते हैं। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक आता है दोस्तों, वो है कार एंड बाइक्स। तो कार एंड बाइक्स के ऊपर दोस्तों बहुत ही अच्छा CPC मिलता है और बहुत ही अच्छा ट्रैफिक भी है।
दोस्तों बहुत सारे बाइक की सीरीज है, बहुत सारे कार की सीरीज है, उनके ऊपर भी आप अपने लिए एक माइक्रोनिश साइट बना सकते हैं। दोस्तों अभी तो मैंने आपको ये बता दिया कि वो कौन कौन से बेस्ट कैटेगरी है जहाँ पर आप अपने लिए एक माइक्रोनिश साइट बना सकते हैं। तो अभी आप किस तरह से फाइंड करेंगे कि आपके मेन कीवर्ड क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ एक टेलीकॉम के ऊपर एक कीवर्ड फाइंड करके। तो सिंपली यहाँ पर मैं आर के लिख देता हूँ एयरटेल फ्री, क्योंकि दोस्तों एयरटेल बहुत सारे फ्री ऑफर लाता ही रहता है डाटा का। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं जो भी सर्च कर रहा हूँ इसकी राइट साइड में ट्रैफिक दिखा रहा है कितना आ रहा है हर एक कीवर्ड पे। यहाँ पर मैंने एक्चुअली एक एक्सटेंशन लगाया है मेरी ब्राउजर पे जो है कीवर्ड एवरीवेयर, इसी वजह से आ रहा है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर एक कीवर्ड फाइंड कर लिया मेरे लिए जो है एयरटेल फ्री डाटा, और इसके ऊपर जो ट्रैफिक है वो है 12,000। दोस्तों आपको जो भी टॉपिक फाइंड करना है वो उसमें मिनिमम आप 50,000 ट्रैफिक देख के ही उसको अपना मेन कीवर्ड बनाना। अभी वो कौन से फैक्टर है जिसको देखकर आप ये सोचेंगे कि जी हाँ यही मेरा मेन कीवर्ड होने वाला है, तो इसके लिए दोस्तों कुछ फैक्टर है। जो क्या फैक्टर मैं आपको बता दूँ, सबसे पहला अपने वो कीवर्ड पे बहुत ही ह्यूज ट्रैफिक होना पड़ेगा मिनिमम 50,000, ओके। उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि उस वेबसाइट पर कंपटीशन कितना है। कंपटीशन जानने के लिए आप गूगल पे जाइए, जाके सर्च कर लीजिए KW फाइंडर, उसके बाद आपकी जो मेन कीवर्ड है उसको कॉपी कर लीजिए और कॉपी करके यहाँ पे आके आपको पेस्ट कर देना है कीवर्ड के यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे चूज़ कर लेना है अपनी कंट्री का नाम, तो मैं इंडिया चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद फाइंड कीवर्ड पे सर्च कर लीजिए। अभी आपको कंपटीशन के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगा। ये टोटली फ्री टूल है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि आउट ऑफ 100 में इसका जो डिफ़िकल्टी है वो है 21, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन मीडियम है, तो इसके ऊपर आप आराम से काम कर सकते हैं। और इसके ऊपर जो ट्रैफिक आ रहा है वो है 12,000 नियर अबाउट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट साइड में इस बहुत सारी और भी कीवर्ड है जैसे कि एयरटेल रिचार्ज, इसके ऊपर जो 8 लाख से भी ज़्यादा ट्रैफिक आ रहे हैं पर मंथ। उसके बाद और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जैसे कि एयरटेल ऑनलाइन रिचार्ज, इसके ऊपर भी 6 लाख का ट्रैफिक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे कीवर्ड मिल जाएगा फ्री में, जहाँ पर यहाँ पे लिखा होगा कि कौन सी कीवर्ड पे कितना ट्रैफिक आ रहा है और कितना CPC है, कितना डिफिकल्टी है, सब कुछ यहाँ पे शो भी हो जाएगा। तो यहाँ पर देख के आप अपने लिए एक अच्छा सा कीवर्ड फाइंड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मुझे कीवर्ड मिल गया है जो कि मैं अपना मेन कीवर्ड बनाऊँगा, वो है एयरटेल प्रीपेड प्लान्स। दोस्तों इसके ऊपर जो ट्रैफिक है वो बहुत लाखों से भी ज़्यादा है, तो मैं इसे सिंपली कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे गूगल पे आके मैं इसे पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके ऊपर जो ट्रैफिक है वो है 2 लाख से यहाँ पे शो हो रहा है, तो मतलब बहुत ही अच्छा ट्रैफिक है। तो आपको भी इस तरह से ह्यूज ट्रैफिक वाला एक कीवर्ड को ही अपना मेन कीवर्ड बनाना है। तो अभी आपने डिफ़िकल्टी देख लिया, तो थर्ड फैक्टर आपको देखना है, वो देखना है कि कौन कौन सी वेबसाइट यहाँ इसके ऊपर रैंक है। आपको देखना है कि बड़े बड़े ऑथोरिटी वेबसाइट जैसे KIndiblogger या फिर इससे भी बड़े बड़े वेबसाइट यहाँ पे रैंक है या नहीं है। अगर बड़े बड़े ऑथोरिटी वेबसाइट इसके ऊपर रैंक है तो अब ऑब्वियसली इसके ऊपर काम ना करें, क्योंकि उसमें रैंक होने के लिए आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़े और बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाए। तो इसीलिए आप हमेशा एक ऐसा कीवर्ड फाइंड कीजिए जिसके ऊपर ऑथोरिटी वेबसाइट रैंक ना हो। उसके बाद दोस्तों आपको और एक चीज़ देखना है, जैसे कि आपका जो मेन कीवर्ड है वो आप कॉपी करेंगे और जाएंगे फिर से KW फाइंडर पे। उसके बाद यहाँ पे अपने कीवर्ड को सर्च कर लेंगे। सर्च करने के बाद यहाँ पे आप राइट साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे गूगल पे में 1 से लेकर 10 तक जो भी वेबसाइट यहाँ पे रैंक है उन वेबसाइट का नाम है, उसके साथ साथ यहाँ पे शो है और भी बहुत सारे डिटेल्स उन वेबसाइट की। यहाँ पे आप उन वेबसाइट की DAPA देख सकते हैं, CF देख सकते हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पे लिंक्स एक ऑप्शन है, तो लिंक्स आप देख सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको देखना है कि हर एक वेबसाइट में कितना लिंक्स लिखा हुआ है। अगर सारे वेबसाइट पे 00 लिखा है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप उसमें इजीली रैंक हो पाएंगे। लेकिन लिंक्स के यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पे लिखा हो जैसे कि 10, 12, 15 तो आपको थोड़ा टाइम लग सकता है यहाँ पे रैंक होने में, अगर 0 है तो बहुत ही अच्छी बात है। दोस्तों अभी मैंने आपको ये बता दिया कि किस तरह से आपको अपनी मेन कीवर्ड को फाइंड करना है। दोस्तों उसके बाद आपको अपनी वेबसाइट के लिए 4 से 5 सब कीवर्ड को भी फाइंड करना पड़ेगा, वरना दोस्तों आपकी वेबसाइट रैंक नहीं होगा। इसके लिए आपकी वेबसाइट पे कम से कम मिनिमम 4 से 5 आर्टिकल तो होना ही पड़ेगा। तो सब कीवर्ड कैसे फाइंड करना है मैं आपको बता दूँ, आपको गूगल पे आना है, उससे नीचे स्क्रॉल कर देना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिकमेंडेड बहुत भी बहुत सारे कीवर्ड है। उसके साथ साथ आपको राइट में कितना ट्रैफिक है वो भी यहाँ पे शो हो गया। और आपको यहाँ पे क्या करना है, आपकी जो मेन कीवर्ड है मेरा वो है एयरटेल प्रीपेड प्लान्स,
इसके रिलेटेड और भी क्या क्या टॉपिक है वो मेरा हो जाएगा सब प्योर, जैसे कि एयरटेल प्रीपेड प्लान 4G, उसके बाद और एक टॉपिक जो है एयरटेल प्रीपेड प्लान मुंबई। इस तरह के मैं 4 से 5 सब कीवर्ड फाइंड कर लूँगा और हर एक टॉपिक के ऊपर मैं एक एक पर्टिकुलर आर्टिकल लिखूंगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ किस तरह से आपको डोमेन फाइंड करना है। इसके लिए यहाँ पर मैं आ गया हूँ गोडेडी पर और मेरा जो मेन कीवर्ड है वो है एयरटेल प्रीपेड प्लान, तो इसको मैं सर्च कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके ऊपर जो domain.com डोमेन है वो अवेलेबल है। दोस्तों अगर आपको .com डोमेन नहीं मिलता है तो आप .net और .in जैसे डोमेन का भी यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों बहुत सारे कीवर्ड पे होते हैं जहाँ पर आपको डोमेन मिलता ही नहीं है, तो उसके लिए यहाँ पे एक टिप्स है जो कि मैं आपको बता दूँ। आप जब भी डोमेन बाय करेंगे तो आपकी डोमेन के अंदर जो वर्ड्स है तो वर्ड्स के बीच आप एक बार दे देना, तो आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर मैंने किस तरह से सर्च किया है, तो आपको भी इस तरह से सर्च करना है। डोमेन बाय करने के बाद दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है कि किस तरह से आप अपने वेबसाइट को बनाएंगे। यहाँ पर आपको वेबसाइट बनाने के लिए 2 प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, एक है ब्लॉगर और दूसरा है वर्डप्रेस। दोस्तों आप ब्लॉगर और वर्डप्रेस दोनों में से एक का यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा है, तो आप दोनों में से कोई भी एक प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको यूज़ करना है एक फ्री थीम, बहुत सारे सैम्पल एंड फ्री थीम मिलता है, इनका यूज़ करके आप अपने लिए एक वेबसाइट बना सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको अपनी वेबसाइट पर इम्पोर्टेंट जो भी पेजेस होना चाहिए तो सब कुछ आपको बनाना पड़ेगा। और उसके बाद अगर आप वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हैं तो बहुत सारी SEO प्लगइन मिलता है जो कि आपको सेट करना पड़ेगा अपने वेबसाइट पे। और अगर आप ब्लॉगर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे सेटिंग होता है जो कि आपको सेटिंग सेट करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक आर्टिकल ओपन कर लिया है। एक्चुअली दोस्तों मैंने 1 साल पहले इस आर्टिकल को पढ़ा था और इसी आर्टिकल को पढ़ के मैंने माइक्रोनिश वेबसाइट के ऊपर 1 साल पहले ही काम करना शुरू किया था। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल है और यहाँ पे बहुत ही अच्छे से सब कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया गया है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं अगर आप माइक्रोनिश के ऊपर काम करना चाहते हैं। एक्चुअली दोस्तों यहाँ पर माइक्रोनिश वेबसाइट को डिज़ाइन करने के ऊपर एक इमेज है जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, सबसे ऊपर में जो होगा आपका लोगो होगा। यहाँ पे लोगो होने के बाद आपको देना पड़ेगा अपनी वेबसाइट का जो मेन कीवर्ड है उसे, मतलब हेडिंग के हिसाब से आप देंगे। उसके बाद दोस्तों आपको लिखना पड़ेगा एक लंबा चौड़ा, बहुत सारे पैराग्राफ या फिर अपना आर्टिकल जो भी आप लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा अपनी वेबसाइट पर इमेजेस, जो कि आपके इमेजेस होना बहुत ही ज़रूरी है। आप मिनिमम एक इमेज तो लगाना ही पड़ेगा आपको हर एक आर्टिकल में। इमेज लगाने के बाद दोस्तों आपको लगाना पड़ेगा अपनी वेबसाइट पर अपनी मेन कीवर्ड के रिलेटेड वीडियोस, आप यूट्यूब वीडियोस को एम्बेड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों फिर से आपको पैराग्राफ लिखना है और अपने आर्टिकल को बरकरार रखना है। तो इस तरह से दोस्तों आपकी वेबसाइट के डिज़ाइन को रखना है। और राइट साइड में भी आप ईमेल सब्सक्रिप्शन का एक बटन लगा सकते हैं और एड्स भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस इमेज को, तो इसी तरह से आप अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करें। और दोस्तों आप हमेशा एक SEO फ्रेंडली एंड मोबाइल रिस्पॉन्सिव थीम ही यूज़ करना। वेबसाइट बनाने के बाद दोस्तों आपको अपनी लिखना पड़ेगा अपनी वेबसाइट के लिए आर्टिकल। दोस्तों माइक्रोनिश वेबसाइट पर क्या होता है कि आपकी होम पेज पर भी एक आर्टिकल होता है, तो आपको अपनी होम पेज पर या अपने मेन कीवर्ड के ऊपर एक आर्टिकल लिखना होगा जिसका लेंथ होगा मिनिमम 1500 वर्ड्स, क्योंकि बहुत ही बड़ा आर्टिकल होना पड़ेगा वरना दोस्तों आपके उसमें गूगल पे रैंक नहीं होगा। और उसके साथ साथ जो आपके सब कीवर्ड है जो उसमें भी आप 4-5 आर्टिकल ज़रूर आपको लिखना ही पड़ेगा, और उनमें जो आपका मिनिमम वर्ड्स होना चाहिए वो है 1000। और अगर आप कोई कूपन या फिर कोई ई कॉमर्स वेबसाइट की माइक्रोनिश वेबसाइट ओपन करते हैं तो आप अपनी वेबसाइट को रेगुलर अपडेट करते रहना, जैसे कि न्यू ऑफर्स या फिर न्यू कूपन कुछ आता है तो आप अपनी वेबसाइट पर ज़रूर अपडेट करें। उसके बाद दोस्तों आ जाता है कि आप अपने आर्टिकल को किस तरह से SEO करेंगे। तो SEO करने के लिए दोस्तों बहुत सारी चीज़ें करना पड़ता है आपके आर्टिकल में। उसके बाद दोस्तों आपको करना पड़ेगा अपनी वेबसाइट की आर्टिकल पे ऑन पेज SEO। तो ऑन पेज SEO में दोस्तों बहुत सारे फैक्टर आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आ जाता है, तो इसके ऊपर मैंने डेडिकेटली बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, तो उनमें से कुछ वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको देख लें। ऑन पेज SEO करने के बाद दोस्तों फाइनली आपको करना पड़ता है अपनी वेबसाइट पर ऑफ पेज SEO। दोस्तों अगर आप रैंक होना चाहते हैं गूगल पे नंबर 1 पे तो आपको ऑफ पेज SEO करना ही पड़ेगा। और ऑफ पेज SEO के ऊपर किस तरह से आपको लिंक बिल्डिंग करना है और किस तरह से अपनी वेबसाइट की सोशल एंगेजमेंट बढ़ाना है, इसके ऊपर भी डेडिकेटेड और भी बहुत सारे वीडियो मैंने बनाए हैं, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी आप ज़रूर देखें। फाइनली आई होप दोस्तों आपको ये माइक्रोनिश के ऊपर ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं आपका हेल्प ज़रूर करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और इस तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।